राहुल शांकरात्यायन का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो वेदांती आर्य समाजी बौद्ध मतावलंबी से होते हुए मार्क्सवादी बने। विद्रोही चेतना, न्यायबोध और जिज्ञासा वृत्ति ने पूरी तरह से ब्राह्मणवादी जातिवादी हिंदू संस्कृति के खिलाफ खड़ा कर दिया। फुले जी और अम्बेडकर साहब की तरह उन्हें जातिवादी अपमान का व्यक्तिगत तौर पर सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन सनातनी हिंदुओं की लाठियां जरूर खानी पड़ी। राहुल अपने अपार शास्त्र ज्ञान और जीवन अनुभवों के चलते हिंदुओं को सीधे ललकारते थे, उनकी पतनशीलता और गलाजत को उजागर करते थे। वे अपनी किताबों में, विशेषकर तुम्हारी 6 में, हिंदुओं के समाज, संस्कृति, धर्म, भगवान, सदाचार, जात पात के अमानवीय चेहरे को बेनकाब करते हैं। वे स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित एक उन्नत समाज का सपना देखते हैं। उन्हें इस बात का गहराई से एहसास है कि मध्यकालीन बर्बर मूल्यों पर आधारित समाज और उसकी व्यवस्था का विध्वंस किए बिना नए समाज की रचना नहीं की जा सकती है। वे साफ शब्दों में हिंदू समाज, व्यवस्था, धर्म, जाति और उसके भगवानों के नाश का आह्वान करते हैं। उनका मानना था इनके नाश के बिना नए समाज की रचना नहीं की जा सकती है। वे हिंदू समाज व्यवस्था के सर्वनाश का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हर पीढ़ी के करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को कलुषित, पीड़ित बनाकर क्या ये समाज अपनी नरपिशाचता का परिचय नहीं देता है? ऐसे समाज के लिए हमारे दिल में क्या इज्जत हो सकती है, क्या सहानुभूति हो सकती है? और भीतर से जघन्य, कुत्सित कर्म धिक्कार ऐसे समाज को। राहुल शांकरात्यायन अपने अनुभव और अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि धर्म के आधार पर, बंधुता पर आधारित मानवीय समाज की रचना नहीं की जा सकती, चाहे वो कोई भी धर्म हो। वे तुम्हारी 6 में लिखते हैं कि पिछले 2000 वर्षों का इतिहास बतला रहा है कि मजहबों ने एक दूसरे के ऊपर जुल्म के कितने पार डाए, अपने अपने खुदा, अपने अपने भगवान के नाम पर, अपनी अपनी किताबों और पाखंडों के नाम पर। मनुष्य के खून को उन्होंने पानी से भी सस्ता कर दिखलाया। हिंदुस्तान की भूमि भी ऐसी धार्मिक प्रतांधता का शिकार रही है। इस्लाम के आने से पहले भी क्या मजहब ने वेद मंत्र के बोलने और सुनने वालों के मुंह कानों में पिघले रांगे और लाखनी भरा? धर्म जिस ईश्वर के नाम पर टिका है, जिसे वो सृष्टिकर्ता और विश्व का संचालक मानता है, राहुल शांकरात्यायन उस ईश्वर के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं। वे स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ईश्वर अंधकार की उपज है। वे लिखते हैं कि जिस समस्या, जिस प्रश्न, जिस प्राकृतिक रहस्य को जानने में आदमी असमर्थ समझता है, उसी के लिए ईश्वर का ख्याल कर लेता था। दरअसल ईश्वर का ख्याल है भी तो अंधकार की उपज। अज्ञान का दूसरा नाम ही ईश्वर है। वे इस बात को बार बार अंडरलाइन करते हैं कि धर्म अन्याय और अत्याचार को बनाए रखने का, शोषकों, उत्पीड़ितों का एक उपकरण है। वे लिखते हैं कि अज्ञान और असमर्थता के अतिरिक्त यदि कोई और भी आधार ईश्वर विश्वास के लिए है, तो वो है धनिक और धूर्तों की अपनी स्वार्थ रक्षा का प्रयास। समाज में होते अत्याचारों, अन्याय को वैध साबित करने के लिए उन्होंने ईश्वर का बहाना ढूंढ लिया है। धर्म की धोखाधड़ी को चलाने और उसे न्यायपूर्ण साबित करने के लिए ईश्वर का ख्याल बहुत सहायक है। राहुल शांकरात्यायन हिंदू धर्म, ईश्वर और मिथकों पर टिकी हिंदू संस्कृति के विध्वंस का भी आह्वान करते हैं। वो राम राज्य कैसा रहा होगा जिसमें किसी आदमी के कह देने मात्र से राम ने गर्भिणी सीता को जंगल में छोड़ दिया था। जिन मान ऋषियों, साधुओं को हिंदी संस्कृति गौरवान्वित करती है, उसके बारे में भी राहुल लिखते हैं कि जिन ऋषियों को स्वर्ग, वेदांत और ब्रह्म पर बड़े बड़े व्याख्यान और सत्संग करने की फुर्सत थी, जो दान और वो यक्ष पर बड़े बड़े पोथे लिख सकते थे, क्योंकि इससे उनको और उनकी संतानों को फायदा था, परंतु मनुष्य के ऊपर पशुओं की तरह होते अत्याचारों को आमूल नष्ट करने के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं समझी। उन ऋषियों के आज के जमाने के साधारण आदमी भी मानवता के गुण से अधिक भूषित हैं। धर्म और ईश्वर से अपनी मुक्ति की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा में लिखा है, आर्य समाज का प्रभाव रहने से सिद्धांत में मैं द्वैतवादी हो रामानुज का समर्थक रहा। इसी दार्शनिक उहापोह में बौद्ध दर्शन के लिए अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। रामानुज और शंकर की ओर से अंततः वर्णाश्रम धर्म का श्राद्ध करके दार्शनिक खंडन द्वारा ही बौद्ध का विरोध किया जाता था, और दार्शनिक सिद्धांतों से रामानुज या शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहते थे। फिर बौद्ध दर्शन क्या है, इधर ध्यान जाना जरूरी था, और पूर्व पक्ष के तौर पर उद्धृत कुछ वाक्यों से मेरी तृप्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन राहुल कहाँ रुकने वाले थे, अपनी आगे की जीवन यात्रा के बारे में उन्होंने लिखा। अब मेरे आर्य सामाजिक और जन्मजात विचार छूट रहे थे। अंत में इस सृष्टि का कर्ता भी है, सिर्फ इस पर मेरा विश्वास रह गया था, किंतु अब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे बुद्ध और ईश्वर में से एक को चुनने की चुनौती दी जाएगी। मैंने सबसे पहले कोशिश की ईश्वर और बुद्ध दोनों को एक साथ ले चलने की, किंतु उस पर पग पग पर आपत्तियां पड़ने लगी। 2-3 महीने के भीतर ही मुझे ये प्रयत्न बेकार मालूम होने लगा। ईश्वर और बुद्ध साथ नहीं रह सकते,
ये साफ हो गया और ये भी स्पष्ट मालूम होने लगा कि ईश्वर सिर्फ काल्पनिक चीज है, बुद्ध यथार्थ वक्ता है। तब कई हफ्तों तक हृदय में एक दूसरी बेचैनी पैदा हुई। मालूम होता था, चिरकाल से पता आता एक भारी अवलंब लुप्त हो रहा है, किंतु मैंने हमेशा बुद्ध को अपना पथ प्रदर्शक बनाया था और कुछ ही समय बाद उन काल्पनिक भ्रांतियों और भीतियों का ख्याल आने से अपने भोलेपन पर हंसी आने लगी। अब मुझे डार्विन के विकासवाद की सच्चाई मालूम होने लगी। अब मार्क्सवाद की सच्चाई हृदय और मस्तिष्क में व्यवस्थ जान पड़ने लगी। वे बुद्ध को एक महान इंसान और महान विचारक तो मानते रहे, लेकिन धर्म के रूप में बुद्ध धर्म से भी किनारा कर लिया और पूरी तरह से वैज्ञानिक भौतिकवाद को अपना लिया। उनकी जीवन यात्रा में उन्होंने लिखा कि कोई समय था जब मैं धर्म प्रचारक बनने का तीव्र अनुरागी था, लेकिन अब अवस्था बिल्कुल बदल गई थी। बौद्ध धर्म के साथ भी मेरे कच्चे धागे का ही संबंध था। हाँ, बुद्ध के प्रति मेरी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। मैं उन्हें भारत का सबसे बड़ा विचारक मानता रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस वक्त दुनिया के धर्म का नामोसा ना रह जाएगा, उस वक्त भी लोग बड़े सम्मान के साथ बुद्ध का नाम लेंगे। वे जाति का सीधा संबंध हिंदुओं के ईश्वर और उनके धर्म से जोड़ते थे, क्योंकि ये दोनों जाति व्यवस्था की जननी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। भारतीय धर्मशास्त्र, ऋषि मुनि, महाकाव्य, महानायक और यहाँ तक कि ईश्वर के साक्षात अवतार कहे जाने वाले राम और कृष्ण वर्ण व्यवस्था के सबसे बड़े रक्षक के रूप में सामने आते हैं। राम वर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए संभुक वध करते हैं। तुलसी के राम इस बात का साफ घोषणा करते हैं कि मनुष्यों में द्विज मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। यहाँ पर वे भारतीय धर्मशास्त्र के कुछ श्लोकों को भी बताते हैं और बताते हैं कि हिंदू धर्म में जाति और वर्ण सबसे उच्च पर है और वर्ण व्यवस्था में उच्च पर भी द्विज ही है। जाति गुण को नहीं जन्म को सब कुछ मानती है। हिंदू समाज जाति के शूद्रों, अति शूद्रों, महिलाओं के बीच के प्रतिभावन से प्रतिभावन व्यक्ति को कुचलता रहा है और मूर्ख गुणहीन ध्वजों को भी सम्मान देता रहा। हमारे महान कवि तुलसीदास का भी आदेश था कि पूजहिं विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहिं ज्ञान प्रवीणा। इस पूरी व्यवस्था पर सख्त टिप्पणी करते हुए राहुल लिखते हैं, जिस समाज में प्रतिभा को जीते जी दफनाना अपना कर्तव्य समझता है और गधों के सामने अंगूर बिखेरने में जिसे आनंद आता है, क्या ऐसे समाज के अस्तित्व को पल भर भी हमें बर्दाश्त करना चाहिए। वे तुम्हारी जात पात की छह में साफ शब्दों में घोषणा करते हैं कि निश्चित ही जात पात की छह करने से हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। राहुल शंकरात्यायन हिंदू संस्कृति के मनुष्य विरोधी मूल्यों पर निर्णायक हमला तो करते ही है, वो ये भी मानते हैं कि मनुष्य को धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। इंसान वैज्ञानिक विचारों के आधार पर खूबसूरत समाज का निर्माण कर सकता है, एक बेहतर जिंदगी जी सकता है। वे एकमात्र वामपंथी थे जो ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म संस्कृति पर करारी चोट करते थे और भारत में सामंतवादी की विशिष्ट संरचना जाति को समझते थे और आधार और अधिरचना दोनों के खिलाफ एक साथ निर्णायक संघर्ष के हिमायती थे।